अस्सलाम वालेकुम। दूसरा क्वेश्चन है जी, ये किरण मरियम साहिबा का, और ये पूछती हैं कि अमेज़ॉन पर हम कैसे स्टार्ट करें। अच्छा, मैं ना, मेरी एक पर्सनल एडवाइस है इसके बारे में कि अमेज़ॉन पे अभी स्टार्ट करने का वक्त नहीं है। सही है, उसकी वजह पता क्या है कि दो चीज़ें ना ऑप्टिमाइज होनी है अभी। एक है हमारे शिपिंग मेथड्स, जिसके ऊपर जो है ना हमारा पाकिस्तान पोस्ट काम कर रहा है, यानी जो चीज़ें आपने इंटरनेशनल शिप करनी है उसके हवाले से, और दूसरी बात है पेमेंट गेटवे। सही है, पेमेंट गेटवे भी अभी प्रॉपर ऑप्टिमाइज नहीं है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे पेपॉल नहीं है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें मेरे हिसाब से भी ऑप्टिमाइज हो रही हैं, तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। यानी आप 5-6 माह बाद या साल बाद जो है ना अमेज़ॉन पे ना स्टार्ट करें। दूसरी बात यह है कि लोग पहले अमेज़ॉन FBA प्रोग्राम कर रहे थे, फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन जिसे कहते हैं, तो वो अभी भी पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए फिर जाहिर बात है कि एक लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट और प्रॉपर ट्रेनिंग। सही है, इनेबलर्स वाले ट्रेनिंग करवा रहे हैं, सनी अली एक्सट्रीम कॉमर्स वाले ट्रेनिंग करवा रहे हैं, तो आपको ट्रेनिंग ज़रूर लेनी चाहिए जिसने भी FBA का प्रोग्राम करना है। साथ अगर आपने जहन में रखे कि तकरीबन तकरीबन कम से कम जो है ना 40 लाख रुपए की जो है ना इन्वेस्टमेंट जो है वो होनी चाहिए। सही है, तो उसमें यही है कि आप चाइना से माल खरीदते हैं, यानी अली बाबा से माल खरीदते हैं, और उस माल को पाकिस्तान में नहीं मंगवाते, डायरेक्ट चाइना जो है ना उसको, सॉरी, डायरेक्ट वहाँ से जिस मार्केट को आप टारगेट कर रहे हैं। अमेज़ॉन के जो वेयर हाउसेज है ना, ये कई कंट्रीज़ के अंदर है। सही है, यानी जैसे आप ये दर्ज लगा लें, US की मार्केट आप कर रहे हैं, UK की मार्केट कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है कि अपना प्रोडक्ट अलीबाबा से ऑनलाइन बाय करना है, और वहीं से उसकी इंस्पेक्शन भी करवानी है अलीबाबा से ही। वो भी ये सारी चीज़ें डेप्थ में हैं, ये यानी मतलब इतना आसान काम कोई भी नहीं है। ठीक है, तो जिन जो लोग ट्रेडिशनल वर्किंग करना चाहते हैं, यानी जैसे आम रूटीन में आएगी वो वाली वर्किंग जो है ना अमेज़ॉन पे, मेरे हिसाब से तकरीबन को 6 माह या साल एक लग जाएगा। सही है, कोई और क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा।